दोस्तों आज की वीडियो है, आप लोगों ने सुना होगा, दो दिन में दांत खाज को ठीक करें, एक रात में दांत खाज को ठीक करें, दो मिनट में दांत खाज को ठीक करें, इस तरह की बातें, इस तरह की वीडियो आप लोगों ने तमाम ढेर सारे देख रखे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है। वीडियो में मैं आज आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा और सब कुछ सही से समझाऊंगा, और जो मैं बताऊंगा उसको आप ट्राई कर लेना, वो 100% सही पैमाने पे उतरेगी बातें मेरी। तो दोस्तों अभी तक की जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जा सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम लोगों के दांत खाज हो जाती है तो पहली बात तो हम लोगों को एक दो महीने पता ही नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि खुजली है, थोड़ी हुई है, ऑटोमेटिक चली हो जाएगी। फिर हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कुछ हम लोगों को इस तरह की मेडिसिन देता है और हम लोग खाते हैं। जब तक कि हम लोग खाते हैं तब तक ही बहुत आराम रहता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं फिर से दांत खाज हम लोगों के दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस बार जो दांत खाज स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो जिद्दी हो जाती है, शरीर के कई अन्य भाग में भी फैलने लगती है धीमे धीमे करके। और दांत खाज कुछ इस तरह का जटिल रोग है कि अगर एक बार आदमी को हो जाता है तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। बहुत सारे लोगों की तो पूरी बॉडी पे भी हो जाता है। उन लोगों से कि क्या हालात होंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, अगर वो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो समझ सकते हैं। और बहुत सारे दांत खाज क्या चीज है जिन लोगों के पास है वो समझ सकते हैं। बहुत गंदी बीमारी, ऐसी बीमारी, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा किसी को कभी भी ना हो। तो दोस्तों तो फिर आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, इस तरह की मेडिसिन लेते हैं, दवा खाते हैं। ये अंग्रेजी एलोपैथिक मेडिसिन होती है जो आप लोग खाते हैं। और उसके बाद हम लोग जाते हैं, जब नहीं ठीक होता फिर हम लोग जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। तो अब बात आती है आयुर्वेदिक, तो बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदिक की भी दवा करा रखी होगी, फिर उससे होता क्या है, उससे भी आप लोगों की हो सकता है कि दांत खाज नहीं ठीक होती है। तो जिन लोगों की इससे भी दवा दांत खाज नहीं ठीक होती है तो फिर उनके लिए जो आज मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने अभी सारे तरीके की जितने भी है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तो कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन इस तरह की दिखती है, तो सारी तरह की दवा करा रखी है और उनका दांत खाज नहीं ठीक हो रहा है, तो आज की मेडिसिन उनके लिए है। तो दोस्तों दांत खाज होता कैसे? तो दोस्तों ये दांत खाज एक इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है जो अक्सर लोगों को हो जाया करता है। तो शुरुआत में आपके अंडर आर्म के नीचे होता है और हो सकता है आपके हाथों पे हो जाए। तो ये एक ऐसा रोग है कि जब हम लोग इसकी इलाज करवाते हैं तो ये जाता नहीं, जल्दी जल्दी नहीं जाता है। जब तक कि हम लोग दवा खाते हैं तब तक ये आराम रहता है। और हमारे जो जानने पहचान वाले होते हैं, दोस्त वोस्त होते हैं, अगर बॉडी के आपकी बाहरी परत पे, बाहरी हिस्से पे वो लोग देखते हैं तो वो लोग आपसे यही पूछते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं। और हम लोग बस मजबूरी में उन लोगों को यही जवाब देना पड़ता है कि भाई दवा करा रहे हैं, ठीक हो रहा है। तो हम लोगों सालों कराते हैं, 2 साल कराते हैं, 3 साल तक कराते हैं, दवा कराते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता। तो ये एक समाज में भी अच्छा नहीं लगता है, अगर आपके बाहर हाथ में, मुंह में, चेहरे में या फिर गर्दन में, तो आपको समाज में जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग इसी कारण से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो दोस्तों ये रोग है ही, आप लोग सोचिए अगर आपके पास ये रोग नहीं है दांत का तो प्लीज किसी से ये मत पूछिएगा कि भाई आपका ठीक हो रहा है, ठीक हो गया। क्योंकि जब आप ये बात पूछते ना तो भाई कोई भी संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं जो ये चाहे कि मेरे पास कोई रोग हो। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई दांत खाज के जल्दी जल्दी इलाज करवा के खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन समस्या यहाँ पे उठती जब वो दवा हम लोग कराते हैं। यार बहुत हम लोगों ने बहुत दवा कराते हैं, 1,500 रुपए की ना जाने कितनी लाखों रुपए तक की दवा करा डालते हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं होती। तो भाई समाज में जो लोग दोस्त हम लोगों से ये पूछते ना कि ये जिसका ये इसका क्या हुआ, ठीक हो रही कि नहीं हो रही, तो भाई बहुत बुरा लगता है, शर्मिंदगी भी एक तरह की महसूस होती है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ इसकी महंगी, थोड़ी कॉस्टली है। तो ये जो दवा है ये पूरी 30 दिन की दवा है। हम लोगों में से आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दवा करा रखी होगी, हर तरह की आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सभी तरह की आप लोगों ने दवा करा रखी होगी और आपकी दांत खाज नहीं ठीक हो रही है। जब तक कि आप लोग दवा खाते हैं तब तक की तो आराम रहता है, जैसे आप अपनी दवा बंद करते हैं उसके बाद 2-3 दिन या 4 दिन, हफ्ते भर बाद फिर से आपकी यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खुजली आपके शरीर में इस हद तक की बढ़ जाती है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वहां से पानी तक की निकलने लगता है, खून तक की निकलने लगता है, खुजलाते खुजलाते। और दोस्तों ये जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी खुजली बढ़ जाती है और धूप में रेडनेस भी आ जाती है। अगर आपके हाथ, गाल या चेहरे पे हो गया है तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती है और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, कुछ नियम इसमें, मतलब कि ये जो एक बॉक्स देख रहा है ये फिलहाल एक पार्सल है, एक लोगों का, उनके पास जाना है। फिलहाल ये जो मेडिसिन है ये मैं नहीं देता हूँ, दूसरे लोग देते हैं, तो उनसे मैंने मंगवाया है क्योंकि आप लोगों को
पूरी क्लियर जानकारी देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम में से कि कोई भी सवाल आपको दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े और सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह का आपको पार्सल भेजा जाएगा, जब आपको मिलेगा तो कुछ इस तरीके का आपको पार्सल आपके घर पे मिलेगा। तो दोस्तों दवा थोड़ी महंगी है, दवा की कीमत 3100 रुपये, 3100 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना दांत खाज ठीक करना चाहते हैं तो 3100 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, 500 रुपये फीस देते हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये की दवा हो ही आती है और उससे हमारा दांत खाज ठीक भी नहीं होता है, फिर हम दोबारा जाते हैं। तो इस तरह करके करके हम लोगों ने कम से कम 10-20 बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए तक की फूक दिए होंगे। तो दोस्तों 3100 रुपये की दवा है, आपको 30 दिन दवा खानी है, बिना किसी नाग के साथ खानी दवा। तो इसके अंदर एक आपको सारी क्या चीज़ कैसे खानी, क्या चीज़ कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी और उम्मीद करता हूँ आप उसी तरह का पालन करेंगे। दवा आप बिना किसी नागे के साथ आप लोगों को खानी है और देख सकते हैं ये इसमें निकलेगी भस्म। ये जो भस्म होगी ये आपको अपनी जगह पे, ये जो भस्म है इसके अंदर है, इसके अंदर खाने की दवा प्लस भस्म सब कुछ इसी में रखा गया है और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों खाने की दवा को आपको सुबह शाम खाना है और ये जो भस्म है आपकी जहाँ पे खुजली हो रही, जिस एरिया पे खुजली हो रही होगी वहाँ पे आपको खुला के इस भस्म को लगाना है, रगड़ना है। रगड़ने के बाद अगर सूखा अगर मतलब कि झर रहा हो, मतलब कि ज़्यादा एरिया में, तो आप एक काम कर सकते हैं, खुजली करने के बाद उसके ऊपर नारियल का तेल लगाइएगा और उसके बाद इस सूखी भस्म को उसके ऊपर रगड़ना स्टार्ट करिएगा। दोस्तों 1-2 मिनट रगड़ लीजिएगा, रगड़ने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा। इसको आप ये कार्य आप नहाने के बाद करना है, नहाने के पहले आपको नहीं लगाना है। जब आप भस्म लगाएं तो सुबह नहाने के पहले और रात को सोते समय भस्म आप लगा सकते हैं, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और दोस्तों जो परहेज की बात करते हैं, परहेज में आपको जैसे अंडा हुआ, बियर हुई, मछली हुई, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है 30 दिनों तक। तो दोस्तों और भी खट्टी चीज़ें आती हैं जैसे खटाई हुई। और हाँ दोस्तों कोशिश करिएगा आप फास्ट फूड जितने बाहर के खाने होते हैं, तले हुए आइटम होते हैं, उनको तो बंद ही कर दें। वैसे भी वो सारे आइटम हमारे जो हेल्थ होती है उसके लिए सही नहीं रहते हैं, तो उस वो वैसे भी आप मत खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता, हमेशा के लिए उनको बंद कर दें। क्योंकि बाहर की चीज़ें होती है उसमें काफ़ी किस तरह का दुकानदार तेल यूज कर रहा है, कितना दिन पुराना है, क्या मतलब कि किस टाइप का है, आप कुछ भी नहीं पता होता है। और दुकानदार को तो केवल पैसे से मतलब होता है, उसको अपने पैसे बनाने कि क्या बेच रहा है क्या नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो तो यही चाहता है कि मेरी कम लागत में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। यही रीज़न रहता है कि कई ढेर सारी बीमारियाँ बाहर के खानों में उत्पन्न होती है और डॉक्टर लोग भी हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि बाहर का खाना ना खाएं। तो दोस्तों ये जो दांत खाज की दवा है, जिन लोगों को अगर चाहिए हो तो ये नंबर नीचे आ रहा हो, आप लोग उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने भी आपको सारी जानकारी दे ही दी होंगी कि कैसे लगाना है, कैसे खाना है और क्या क्या परहेज है। और भी कुछ थोड़ी बहुत बातें बची आती हैं, तो जब भी आप मंगाएंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी, किस तरह आपको खाना है, किस तरह लगाना है और कितने दिनों के अंदर दांत खाज आपकी ठीक हो जाएगी और रिजल्ट भी कितने दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो सब कुछ इस बॉक्स के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने उन लोगों के साथ भी शेयर कर देना जिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम है। तो ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। दुश्मन और जो आपका रोग होता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए जड़ से, ये चाणक्य ने कहा था। और ये इस जो ये मर्ज है दांत खाज के, इसमें ये लागू आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा मर्ज है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे बोझ की तरह बन गया है। और बहुत सारे लोग तो इसकी वजह से क्या बताएं, उनके शरीर भी सेहत में भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो सारा दिन इसी के बारे में सोचा करते हैं, जिससे कि उनके जो सेहत है, बहुत सारे लोग दुबले भी हो रहे हैं। तो रीजन यही है कि जब तक कि आपके जो टेंशन को नहीं खत्म करेंगे तब तक कि आपको आराम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो आपका जो बोझ है, मतलब कि जो बीमारी है, उसको खत्म कीजिए और अपना खुशहाल जिंदगी जीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन लोगों को चाहिए इस नंबर पर जाके इन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, लोग अच्छे हैं। और हाँ दोस्तों वो लोग पेमेंट पहले लेते हैं, तो आप ये पूरा बेफिक्र रहिएगा कि आपका पैसा मारा जाएगा या ऐसा कुछ नहीं, आप उनको पेमेंट कर देंगे, आपका पार्सल आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और दोस्तों हाँ काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनसे बेफिक्र रहिए, कोई भी आपकी हानि नहीं होगी। जो चीज़ें हैं आपका पार्सल पेमेंट वो लोग पहले ले लेते हैं, क्योंकि रीज़न ये रहता है कि वो लोग कोई
कंपनी के नहीं है, मतलब कोई बड़ी कंपनी नहीं, घर ही में दवा बनाते हैं और देते हैं। तो दोस्तों वो लोग खुद पहले इस चीज के शिकार थे, तो उन्होंने अपनी दवा बनाई और खुद खाई तो खुद ठीक हो गए, तो अब बाकी लोगों को भी देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।